पूना विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। देश और दुनिया में दिवाली का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दीवे के त्यौहार की तैयारी, कुम्हार कड़ी मेहनत कर सभी के घर दीयों में जगमगाने की तैयारी में कई महीनों से जुटे हैं। बांदा जनपद के साथ देश और विदेश में भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के पर्व में दीपक दीयों का बहुत ही महत्व होता है। बांदा जनपद में भी मिट्टी के दिए बनाने वाले 500 कुम्हार परिवार मिट्टी के दिए बनाने और मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य इन दिनों कर रहे हैं। कारीगरों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दिए दीपक लोग बाजार से खरीद ले जाकर दिवाली के दिन अपने घरों को रोशन करने व कारीगर मिट्टी के बर्तन बनाने के कार्य में बड़ी ही मेहनत और लगन से जुटे हैं। बांदा जनपद में लगभग 500 कुम्हार परिवार 60 से 70 सालों में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहा था, लेकिन इन दिनों सस्ते विदेशी दिए और अन्य सामानों के चलते मिट्टी के बर्तन को लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग इस मिट्टी के बनाए हुए बर्तनों का काम सिर्फ त्योहारों और आयोजनों पर भी करते हैं, क्योंकि बर्तन बनाने के लिए पर्याप्त मिट्टी और उसकी बिक्री के लिए हमारे पास ना तो मिट्टी उपलब्ध हो पाती है और ना ही बाजार में बेचने के लिए कोई स्थान मिला है, जिसे यह मिट्टी के बनाए बर्तनों का काम धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। आज अचानक से कुम्हार के बीच पहुंचे जिला अधिकारी को देखकर मिट्टी का काम कर रहे कुम्हार कारीगर के चेहरे खिल उठे। कुम्हारों के बीच पहुंचे DM हीरा लाल ने कुम्हारों ने इस मिट्टी के बने बर्तनों को जमकर सराहा और कुम्हारों के इस कार्य और रोजगार के लिए उनको भरपूर सहयोग करने की बात कही। से बांदा से अरबाज खान की खास रिपोर्ट। ऐसा है जो हम लोगों की दिवाली है इस बार की, इसका हम लोग जनपद बांदा में एक थीम के तहत मनाना चाहते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं पटाखा और प्लास्टिक मुक्त दिवाली और जल युक्त दिवाली। तो ये हमारे जो दिए हैं, हम चाहते हैं कि ये सभी लोग जो दीपावली में दिए जलाएं वो मिट्टी के जलाएं। ये कुम्हार हमारे जो दिए बनाते हैं कुम्हार लोग, ये उनका मोहल्ला है। अभी हम लोग यहाँ आए हैं, हमने उन्हें दिवाली का मिठाई दिया है और एक झोला दिया है। हमारा यहाँ आने का पर्पज नंबर एक यह है कि उनका मनोबल बढ़ाना, क्योंकि ये जो व्यवसाय था लोग कम प्रयोग करने लगे थे, ये व्यवसाय धीरे धीरे टूट रहा था। इस टूटन को रोकना है और इस व्यवसाय को बढ़ाना है। अभी हमने उनसे जब बात किया तो उन्हें दिया या मिट्टी का बर्तन बनाने में जो मिट्टी की दिक्कतें हैं उसको भी हमने तहसील में बोला है, हम उसकी मिट्टी की जो समस्या उसको हल कर देंगे। दूसरी समस्या उनकी मार्केटिंग की है, उन्होंने ये कहा कि हम लोग साहब बेचने की हमें कोई जगह नहीं है। तो अभी इन्हीं लोगों का प्रस्ताव है कि हमारी एक जगह यहीं राइफल क्लब है, हम वहाँ इनकी दुकान लगवा देंगे। इनकी जो बेचने की मार्केटिंग की समस्या है वो हल हो जाएगी, मिट्टी की समस्या हल हो जाएगी और पूरे जनपद में हमने ये आह्वान कर रखा है कि इस बार जो भी दिए जलाए जाएं वो मिट्टी के ही दिए हों, प्लास्टिक का प्रयोग ना किया जाए, पटाखे ना फोड़े जाएं जिससे कि जो उससे नुकसान होता है उससे बचा जा सके। और हमने सभी लोगों से ये आह्वान किया कि जलयुक्त दिवाली। जलयुक्त दिवाली का मतलब यह है कि हमारे घरों के आसपास जो वाटर बॉडी हैं, नल है, नलकूप है, कुआं है, तालाब है, नदी है, दिवाली के दिन हम वाटर बॉडी पे दीपक जलाएं और अपने मन में जो हमारे मन में जल के प्रति आदर सम्मान का भाव है उसे प्रकट करें दीपक जला के।